नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बुक्स के बारे में। दिल्ली पुलिस के लिए अगर हम तैयारी करना चाहते हैं कॉन्स्टेबल के लिए, तो कौन सी बुक बेटर है, कौन सी क्या है, तो वही आज मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ आपके लिए। देखिए दोस्तों, मैं बिना टाइम अपना गवाए हुए सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, जीके के लिए अगर आपको चाहिए तो सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से बुक ल्यूसेंट है, क्योंकि मैं अभी ल्यूसेंट से मैंने अपनी खुद की तैयारी की थी और ल्यूसेंट का ही रिव्यू आज तक मैंने सबसे अच्छा देखा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, या जो SSC एग्जाम्स लेती है उसके हिसाब से ल्यूसेंट बुक आपके लिए बेस्ट है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आप ल्यूसेंट बुक आप पढ़ सकते हो। जीके के लिए और कैसे क्या कुछ पढ़ना है ल्यूसेंट बुक, वो मैंने पिछले वीडियो में पूरा उसको बताया है। आप सिर्फ उसी तरीके से उस बुक को पढ़ना, तभी आपको सही समझ में आ पाएगा, आपके क्वेश्चंस पुट हो पाएंगे, आप आराम से क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो ल्यूसेंट पढ़ने का तरीका मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। और इन बुकों का जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। 2 से 3 दिन में ये बुक आपकी सारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत है नहीं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस लिंक से डाउनलोड कर सकते हो, 1 या 2 दिन में आपके घर पे आ जाएगी और दुकान से आपको सस्ती ही पड़ेगी। अब बात करता हूँ, देखिए दोस्तों, दूसरी बुक जो है किरण की है। किसी किसी के पास किरण की बुक है तो बोल रहे हैं सर हम क्या करें, किरण की बुक है हमारे पास, क्या हम ल्यूसेंट खरीदें या हम किरण से ही पढ़ें, तो मैं उनके लिए कुछ बताना चाहूँगा। उनके लिए बात यह है कि देखिए, आप किरण भी पढ़ सकते हो, डिपेंड करते हैं आपके पास कौन सी किरण है। किरण भी अच्छी है, किरण की ये जो वन लाइनर है अप्रोच, ये आप किताब ले सकते हो, या आपके पास दूसरी होगी किरण की आप उससे भी पढ़ सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार एडवाइस करूँगा कि आप ल्यूसेंट की किताब ले लो, कोई बड़ी बात है नहीं, लगभग 100 रुपये के समथिंग ये बुक आ जाएगी, आप उससे करोगे तो, क्योंकि ज़्यादातर SSC क्वेश्चन इसी से उठाती है। तो फिर भी आपको एडवाइस करूँगा, अगर फिर भी आप नहीं ले सकते, किसी की आर्थिक स्थिति नहीं है ऐसी, तो कोई बात नहीं, उसके लिए किरण भी बेस्ट है। या फिर कोई भाई चाहता है कि मैं किरण और ल्यूसेंट दोनों कर सकता हूँ, किसी ने किरण कर ली हो वो ल्यूसेंट लेना चाहता हो, किसी ने ल्यूसेंट कर ली वो किरण लेना चाहता हो, तो आप दोनों ले सकते हो। इसका भी सभी बुकों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने काफ़ी मेहनत करके आपको लिंक वगैरह ढूंढ के मैंने इसके सारे डिस्क्रिप्शन में डाले, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अब बात आती है, देखिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो सोल्ड पेपर हैं 2008 से 2017 तक, आप सोल्ड पेपर ज़रूर खरीद लेना दोस्तों, ज़रूर खरीद लेना, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक होंगे, आपके सिलेक्शन में आपका बड़ा योगदान देंगे। देखिए इससे आपको पता चल जाएगा कि पेपर SSC किस हिसाब से लेती है। हालांकि थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, कंप्यूटर ऐड हुआ है, लेकिन हमें इसका पैटर्न ज़रूर पता चल जाएगा कि SSC दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर किस हिसाब से लेती है। और देखिए सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस सेट लगाने की, कि हमारा टाइमिंग इम्प्रूव होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है अगर हम सिलेक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन छूट जाते हैं, इसलिए हमें प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़रूरी है। तो हम क्यों ना एक बार सोल्ड पेपर लें, उनको प्रैक्टिस मारें, उनको प्रैक्टिस करें, या फिर मैं आपको और भी आपके प्रैक्टिस सेट आगे मैंने वीडियो में आपके लिए ला रखे हैं, सभी के लिंक आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप वहां से उनको परचेज कर सकते हो, 1 या 2 दिन में आपके घर पे डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है। कुछ ज़्यादा खर्चा है नहीं, शायद दुकानों के बराबर ही पड़ेगा। अब बात करता हूँ, देखिए दोस्तों, जो दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल के ऑनलाइन एग्जाम के प्रैक्टिस वर्क बुक है आप वो ले सकते हो, ये भी किरण की है, ये भी एक बेटर चॉइस अगर आप सिलेक्शन करना चाहो तो, लेना चाहो तो, क्योंकि मैंने काफ़ी सर्च करके बाद में ये बुक आपके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, यही पता चला कि देखिए दोस्तों मैंने सर्च की और तो कुछ इतना प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है नहीं प्रैक्टिस के लिए मटेरियल, तो हमें प्रैक्टिस सेट लेने के लिए फिर मैंने यही एक अपनी चॉइस सोची कि और लूँगा उससे अच्छे, तो यही एक हमारे पास चॉइस है, क्योंकि मुझे और प्रैक्टिस सेट मिले भी नहीं, साइट्स पर भी ख़त्म है और अपने आसपास भी अवेलेबल नहीं है। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को भी लिंक से डाउनलोड वो परचेज कर सकते हो, शायद प्राइस इसका होगा शायद 150-200 रुपये होगा, तो आप कोई बड़ी बात नहीं, अगर किसी की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो कोई बात नहीं, आप वो मत खरीदिएगा, लेकिन ठीक है वो खरीद सकते हो अगर सिलेक्शन थोड़ा क्या है कि हेल्प करेगा हमारी सिलेक्शन लेने में। और फिर बात आती है कि सर हम रीजनिंग कहाँ से करें, देखिए रीजनिंग के लिए किरण बेस्ट बुक है, आपको एडवाइस करूँगा, किसी के पास अरिहंत की है, अगर अरिहंत की है ठीक है, अगर उसको देखिए सारे उसके जो टॉपिक्स हैं सारे उसको आते हैं क्लियर है, तो कोई बात नहीं, दूसरे बुक लेने की उसको कोई भी ज़रूरत नहीं। अगर लेकिन किसी के पास बुक है ही नहीं, वो फर्स्ट टाइम ट्राई करना चाहते, तो वो किरण की बुक ले सकता है, उसके लिए बेस्ट रहेगी।
उसके लिए बेस्ट रहेगी मेरे हिसाब से आप, क्योंकि देखिए इसमें कुछ हमें क्वेश्चंस के साथ समझना भी पड़ता है, जैसे डाइस है, डाइस में क्या किस हिसाब से बॉक्सेस हैं, किस हिसाब से हम काउंट करें, इसमें सब कुछ दे रखा होगा, कौन से फॉर्मूले लगाने हैं, तो सारा कुछ इसमें सिस्टम है। तो आप ये भी बुक ले सकते हो किरण की, अच्छी है रीजनिंग के लिए, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आए थे सर रीजनिंग के लिए कोई बुक बताओ, तो फिर मैं आपको यही एक एडवाइस करूँगा किरण की। देखिए हालांकि मैंने बुक पढ़ी नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ से मुझे अच्छा पता चला मैं आपके लिए कलेक्ट करके लेके आया हूँ, शायद ये अच्छी बुक आप ले सकते हो। फिर आती है देखिए दोस्तों मैथ्स के लिए, मैथ्स के लिए मैं आपको 101% आपको राकेश यादव सर के जो नोट्स हैं वो मैं आपको एडवाइस करूँगा, लेकिन उनको पढ़ने का भी एक तरीका है मेरे दोस्तों, आप नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस पढ़ना, क्योंकि हार्ड लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, और कोशिश करना कि अर्थमेटिक ही पढ़ो, एडवांस की तरफ ज़्यादा मत जाना, एडवांस इतना नहीं आएगा, गलती से का तो क्वेश्चन आ सकता है लेकिन अर्थमेटिक का पोर्शन ही ज़्यादा आता है, हमारे सिलेबस में अर्थमेटिक ही दे रखा है। मैं सिलेबस में क्या क्या दे रखा मैं उसके लिए भी आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा कि सिलेबस क्या क्या है, किस क्या क्या सिलेबस है, मतलब टॉपिक कौन से हैं सिलेबस के, उसके लिए भी एक वीडियो लेके आऊँगा। थोड़ा सा टाइम मिलते ही आप बस पढ़ाई के लग जाओ, कल से आपके फॉर्म ऑनलाइन होने जा रहे हैं, तो ये मानो कि 110 दिन के समथिंग आपका पास टाइम बच चुका है। आप 110 दिन में किस हिसाब से प्रिपेयर करते हो, हाँ राकेश यादव की बुक है उसके हार्ड क्वेश्चंस आपको नहीं लगाने हैं जो CGL लेवल के हैं, CPO लेवल के, आपको नॉर्मल क्वेश्चंस है जैसे पहले 50, 60, 70, 100 क्वेश्चंस आपको करना है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस दे रखे होंगे उन्होंने, तो हमें नॉर्मल हमें टॉपिक को समझना है, क्योंकि इन्होंने इनका जो तरीका हो एक अच्छा तरीका मुझे लगा, हमें उन टॉपिक्स को समझना है, उसके नॉर्मल क्वेश्चंस हमें लगाने, क्योंकि इतना हार्ड नहीं आएगा दिल्ली पुलिस में, आपको मैं बता देता हूँ मैथ्स फिर से इतना हार्ड नहीं आएगा मैथ्स, ठीक है, या फिर किसी के पास RS अग्रवाल है तो कोई बात नहीं, अगर उससे कर लिया तो बहुत अच्छी बात, हमें समझना है चाहे कहीं से समझो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ से समझ रहे हैं, हमें टॉपिक क्लियर होने चाहिए, हमें कुछ आना चाहिए। तो राकेश यादव की आप ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। फिर अगली बुक आती है कंप्यूटर की, कंप्यूटर के लिए देखिए दोस्तों हमें कुछ अभी पता नहीं चला, क्योंकि SSC ने ऐसे कुछ एग्जाम लिया नहीं है जिसमें थोड़ा बहुत कंप्यूटर आया हो, मेरे हिसाब से नॉर्मल जो कांस्टेबल लेवल का है, तो आप ल्यूसेंट की पढ़ सकते हो, बुक पढ़ सकते हो, जो टॉपिक्स दे रखे हैं दिल्ली पुलिस में जो स्टैंडिंग ऑर्डर आया था उसमें टॉपिक्स दे रखे हैं, वो टॉपिक्स आप क्लियर कर लो, ठीक है, जो टॉपिक्स दे रखे देखो दोस्तों वो टॉपिक्स क्लियर कर लो आप, बिल्कुल देखे पता नहीं किसी को क्या कहाँ से क्या आएगा कंप्यूटर में, लेकिन आप नॉर्मल क्वेश्चंस उठाना, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चंस ही आते हैं फर्स्ट टाइम में, इतना हार्ड नहीं देंगे वो, तो जो टॉपिक्स दे रखे हैं उन टॉपिक्स के ऊपर मैं आपको एक अलग अलग पूरी वीडियो बनाऊंगा, जब भी मैं मुझे टाइम लगे ब्लैक बोर्ड के पास मैं जाऊंगा। आप सभी दोस्त सभी बुकों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से परचेज कर सकते हो, 1 या 2 दिन में आपके घर पर डिलीवरी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है, और यही बेस्ट है। देखो दोस्तों अब हमें कहीं इधर उधर भटकने का, कहीं घूमने का हमारे पास टाइम है नहीं, बिल्कुल 110 दिन बड़ी स्पीड से वापस कट रहे हैं, तो हमें बिल्कुल मन लगा कि तैयारी आप आज ही ऑर्डर कर दो, किताबों को 1-2 दिन में आ जाएंगी, तो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकते हो और अच्छे से तैयारी करना, बाकी कोई भी दिक्कत हो तो अपने भाई से कमेंट में पूछना, आपकी जरूर